माँ बाप न तो टोरे के नीचे रख सका है अपनी लुगाई ना रखेगा ना जब पता चल लगा। अब पंखे साफ करो भाई। ओ भाई मेरे बस की नहीं अभी बिना यार एकदम बढ़िया चकाचक साफ करके रख दिए सारे। अपना क्या है, अपना मेहनत करो जिंदगी में मौज लो बस और क्या। नहीं वहाँ मौज ले जाओ बेटा। राम राम जी, क्या हाल है सबके। होप करता हूँ सब बड़े होंगे। और आज के व्लॉग तो टाइटल से पता ही लग गया होगा किस बारे है। आज मेरी मम्मी ने छुट्टी करवा दी मेरे कॉलेज की और कह रहे घर पर हो कर सफाई करवा। दिवाली आने वाली है ना, तो उससे पहले सफाई होती है। तो मेरी मम्मी के तो बस की है नहीं अकेले की, तो मैं करवाऊँगा साथ में हेल्प। और फिर मतलब आज वही मगर ब्लॉग भी बना ही लूँगा कैसे यार, थोड़ा बहुत चलता रहता है ना। और अब से यार डेली ब्लॉगिंग करा करूँगा। डेली ब्लॉगिंग इन द सेंस मतलब जब भी कुछ इफेक्टिव हो रहा होगा ज़िंदगी में, जैसे आज इफेक्टिव हो रहा है सफाई, तो उसकी ब्लॉगिंग कर ली अब। और मैं कई एक मतलब बड़े दिनों से ना इसीलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था क्योंकि एक काम में फंसा हुआ था मैं। वो अब एक काम हो गया, आने वाले ब्लॉगों में पता चलेगा वो क्या काम था। वो जो चीज़ थी ना वो हो चुकी है, इस वजह से मैं थोड़ा टाइम निकाल पा रहा था ब्लॉग बनाने का और डालने का। तो आज बना रहा हूँ तो आप देख लोगे ये ब्लॉग। और अब से मतलब एक तरीके से डेली ब्लॉगिंग, ज़्यादा गैप नहीं होगा और स्टे ट्यून्ड सब होगा, सारी चीज़ें दिखाई देंगी। और निक्की को देखो, निक्की देख, ये मैंने बताया था ना एक ब्लॉग में, ये ऊपर आके सो जाती है मेरे पास में जब इसे ठंड लगती है। देख कैसे सो रही है निक्की। ए निक्की क्या कर रही है, सो रही है, उठ जा चल सुबह होगी चल। और मैं भी अभी उठा था जस्ट, मैं व्लॉग बना लेता हूँ सुबह सुबह उठ के। तो अभी ब्रश वगैरह करते हैं और फिर खाना वाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट परांठे पाड़ेंगे और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। Few moments later. भाई सिस्टम ओके कर दिया मेरी मम्मी ने, ये बना दिए अपने तीन परांठे, चाय और अपना पियोंगे मग्गे में चाय और बढ़िया खा पी लो, मौज लेंगे एक नंबर की यार। फिर चाय ना है, दूध में पत्ती है। अरे कहना क्या चाहते हो, दूध में पत्ती है। नहीं नहीं, बात सुनने को मिलती है मेरे को तो घर में भाई, मैं तो आज तक चाय समय थी से। हाँ चाय दूध में पत्ती लगाई है, दूध वैसे ना पिया था सेक भाई। शादी पूरी ऐसे कहते हैं चाय। अब आपका बैकग्राउंड जो कहते होंगे वो हमें यहाँ पे नहीं करना, दूध में वो हमें नहीं बोलना, हमारे यहाँ पे चाय बोलते हैं। दूध में पत्ती डाली है और ये इसलिए डाली है क्योंकि वो दूध शेक में पीता था, आज इसने नहीं पी तो चाय में। हाँ वैसे मैं सुबह यार शेक पी, ऊपर पका छुट्टी है ना तो छुट्टी वाले दिन बढ़िया डाइट एकदम परफेक्ट ले यार, क्योंकि कॉलेज में सुबह जल्दी जल्दी निकलना होता है तो इतना टाइम नहीं रहता है परांठे परूंठे खाने का। तो मैं आज परांठे खाऊंगा बढ़िया तीन तीन। लो जी परांठे चेक, चाय चेक। तुम ये बोल रहे हो चाय इतनी ज्यादा क्यों पीता है। भाई मैं पीता हूँ महीने या महीने के बीच में सिर्फ दो तीन बार ऐसे परांठे बढ़िया खाता हूँ मैं, और चाय उसमें मैं दबा के चाय पीता हूँ, मतलब एकदम पूरी बढ़िया मग्गा भर के। और वैसे नहीं पीता छोटे छोटे उसमें, वरना हर रोज़ तो ये छोटे छोटे पीते ही हैं। अब मैं नहीं पीता चाय वगैरह कुछ, मैं शेक पीता हूँ बस और अपना मग्गा जब मैं पीता हूँ फिर एक बार में जब पूरा मग्गा भर के पीता हूँ। और मग्गा दिखा दो कितना बड़ा है, देखो बहुत बड़ा मग्गा है ये देखो। और परांठे ये खा के मिलता हूँ, फिर काम करेंगे, फिर अपने सारी चीज़ दिखाऊंगा ठीक है, अपनी दादी से मिलाऊंगा आज तुम्हें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस अपना नाश्ता नुश्ता करके आ गए थे छत पे और यहाँ पे पहला काम मुझे मिला है, वो मिला है छत साफ कराने का, कि छत साफ करानी है। और छत भी भाई बहुत बड़ी है यार, छोटी मोटी ना है वैसे लग रही हुई, छोटी है पर बड़ी है। अब माँ के साथ मिल गया मैं छत साफ कराऊंगा, मतलब माँ डब्बे डब्बे से पानी गिरती रहूँगी, मैं वाइपर तक खींच दूंगा, तो वो करते हैं अभी और फिर करके फिर दिखाता हूँ कैसे कैसे चमकाई है एकदम छत बढ़िया ठीक है। लो जी मेरी दादी और मैंने मिलके छत साफ कर दिया, ये वाली थी पूरी ठीक है और ये वाली थी, अरे यार मेरी दादी रही, हेलो कर दे हेलो। मैं अपनी दादी को माँ बोलता हूँ क्योंकि हमें शुरुआत से आदत है भाई माँ बोलने की, तो इसीलिए माँ ही बोलते हैं और दादी कम बोलते हैं, दादी नहीं बोलते। जो हरियाणी ज़्यादा होंगे ना उन्हें पता होगा कि दादी को ज़्यादातर माँ ही बोलते हैं सब लोग, मतलब हरियाणा साइड में और यहाँ पे भी देसी बालक। तो अपना पहला काम हो चुका है भाई पूरा छत साफ करने का, देख लो ढंग से दिखाता हूँ एक बार। पहला
वाला काम खत्म करके चल पड़े दूसरे काम की ओर। अब मेरी मम्मी बताऊंगी मेरे को दूसरा काम, अब वो करना है मेरे को। देख रे यार मेहनत लगती है भाई, देसी बालक काम मांगे हम, देसी बालक काम मांगे। बिल्कुल भाई, मेहनत मेहनत हर एक चीज़ में मेहनत है, कुछ भी कर लो बेशक। तो बस अपना अगला काम करने जा रहे हैं और दिखाता हूँ अपनों। अरे तो भाई सीढ़ी चढ़ते उतरते मैं तो हाथ दी जिंदगी लिखने को भी, अब जाके पहुंचूंगा। चलो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट काम पे, बाय। लो जी दूसरे काम के लिए हो चुके हैं रेडी, और दूसरा काम मिला है हमें जाली साफ करने का, और अपना हथियार है हाथ में, योर हथियार। अच्छा इससे करेंगे अब सारे जाले साफ, ऐसे बढ़िया बढ़िया कर देंगे। जाले हैं तो सही, ये रहे ना जाले। सारे कर देंगे और एक फ्लोर के नहीं कर रहे हैं, सारे फ्लोरों के कर रहे हैं मेरे को, देख रहे हो बढ़िया मेहनत। ठीक है समरिया, तो फ्लोर अपने पास बोल रहे हैं। लो जी फाइनली सफाई करते करते अपने फ्लोर में आ गया, छठे फ्लोर से चालू करी थी ये जाले साफ करने, अपने फ्लोर में आ गया अभी। अभी नीचे और बचा है, ये नीचे वाला एक फ्लोर है ना वो और बचा है, वो और करना है, फिर जाले वाले सारे साफ हो जाएंगे। कर रहे हैं, लग रहे हैं मेहनत पे भाई, धीरे धीरे। 2000 years later तो भाई इस वाले हथियार से अब छुट गया अपना पीछा, अब अपनी वेट कर रही है ये चीज, ये इसके लिए, इसके लिए। अब पंखे साफ करो भाई। ओ भाई मेरे बस की नहीं अभी इतना यार, बस यार बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूँ मैं। एक लिमिट होती है इंसान की, एक एक पॉइंट होता है यार, मैं लाल पड़ जाऊंगा यार, मैं लाल पड़ जाऊंगा। ओ यार थक गया मैं, इतना करना पड़ता है। चलो कोई नहीं ये भी करेंगे अब, ये इसकी कंडीशन दिखाता हूँ एक बार तुम्हें कैसी, और फिर जब मैं साफ कर दूंगा ना फिर दिखाऊंगा कैसी है। फिलहाल इसकी कंडीशन देख लो कितनी दूर है, और देखे मैं इसे साफ करूंगा कितना बढ़िया चमका दूंगा, अभी देखना इसे। और गाइस आप देखो कैसे चमक रहे हैं, ये देखो मैंने साफ करे। अरे भाई देख रहे हो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, कती चमका दी है, चमक मार रही है ना, पहले तो ऐसी धूल जमी पड़ी थी इसमें, चमका दिया भाई बिल्कुल एकदम, देख लो। तो गाइस सारा काम तो कर लिया जितना मम्मी ने बताया था, और भाई वैसे थक गया मैं यार, और वैसे भाई हिम्मत होती है भाई मम्मियों की भी, जो मतलब हर दिन लगातार मतलब सारा काम घर का काम करती हैं, साफ सफाई। वैसे भाई हमारे बस की तो नहीं है, पर आज करके देखा आज पता लग गया कितनी मेहनत लगती है। और अब तो मम्मी जितना बताया था सारा काम कर दिया घर का, और अब मेरा एक छोटा सा काम बचा हुआ, मतलब मैं ना 4-5 महीने में एक बार अपने जितने मेरे सारे जूते हैं ना सबको एक बार साफ कर देता हूँ, मतलब साफ इन द सेंस अच्छे से पोछ पाछ देता हूँ उन्हें, मतलब ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो अभी मैं वही, काफ़ी टाइम हो गया सारे जूतों को साफ करे हुए, तो अब वही करते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे जूते पड़े हुए हैं ऐसे ही, तो वो करेंगे अभी सारे साफ, फिर दिखाता हूँ अभी आपको। फाइनली अपना ये वाला काम भी हुआ डन, देखो सारे ऑल सेटल कर दिए हैं, सब एकदम बढ़िया चकाचक साफ करके रख दिए सारे। अब फाइनली फ्री हो गया मैं अपने सारे काम से, और अब मेरे को नहाना है, खाना है, सोना है, बस वो भी दिखाई दूंगा, उसमें भी कुछ इफेक्टिव हुआ था तुम्हें, ठीक है, बाकी स्टे ट्यून्ड। 2 seconds later नहा धो के ऑल सेट, और एकदम बढ़िया नहा धो लिया, अरे वो अपना खाओगे, लंच करेंगे। लंच में आज वो बना रखे हैं आलू हुए, जो वो है ना क्या नाम है बर्ती वाले जो आलू है करे वो खाएंगे, क्योंकि आज पापा और बहन मेरी बर्त ने रख रखा है, मैं नहीं रखता बर्त वगैरह भाई, मेरे बस की नहीं है खाली पेट रहना, सब सीधी बात है। और तो मैं भी वही खा लूँगा, आलू बना रखा है शीत और रायता मतलब बूंदी वाला शीत। लो जी चल पड़ा अपना लंच, और
सामने चल रहा है मैच और देखो कितने बजे लंच कर रहा हूँ मैं। भाई आज काम करा पूरे दिन मैंने, ऐसी बात नहीं है गाइज। अभी है ना रोटी खा के तो आ गया था मैं ना माँ के साथ में बैठा था ऐसे ही, तो माँ ने एक बहुत बढ़िया बात बोली भाई, अभी तुम्हें सुनवाता हूँ। माँ का ज्ञान क्या बोल रही थी माँ, क्या बोल रही थी माँ? मैं यू बोल रही थी बेटा पहला मानस न मानस बहुत आया करता है और सना जो हमारे जमाने में था एक दूसरे ने देख के बहुत खुश हो जाते और ईव जमाना ऐसा है बेटा कोई किसी ने देख कर जिए ना। हाँ वो तो है भाई, बिल्कुल सही बात कही मेरी माँ ने। जो पहले का टाइम था भाई वो टाइम बहुत बढ़िया टाइम था, बंदे को बंदा देख के खुश होता था कि मतलब हाँ ये तरक्की कर रहा है। बट आज के टाइम में क्या है कि मतलब कोई थोड़ा सा भी ऊपर उठता है ना बंदे देखता है यार ये ऊपर कैसे उठ रहा है ये वो। पर माँ की बात भाई जेन्युइन थी, बिल्कुल 100% सही बोली। बट यार अपना क्या है, अपना मेहनत करो जिंदगी में, मौज लो बस, और क्या नहीं माँ। हाँ, मौज ले जाओ बेटा और क्या, तेरा कुछ कमा दिया और क्या, अपना सही अपने मेहनत करो, मेहनत से करो सब मिलेगा नहीं। बस बस बस। तो गाइस इसी के साथ अपने ये पूरे दिन का व्लॉग एंड करते हैं और बस यही था आज जितना भी मेरे को मतलब अपनी दिवाली की सफाई करवानी थी मम्मी के साथ में करवा दी। और अब एक और नया व्लॉग आने वाला है वो और इससे तगड़ा होगा, मतलब इससे तगड़ा क्या वो थोड़ा अलग हटके है, उसे देखना मस्त होगा वो भी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू सच व्लॉग्स। बाय।